बहुत कुछ हो रहा है, चोरी हो रही है, गैंगस्टर्स से मिलना हो रहा है, कहाँ ले जाऊँ मैं, बहुत कुछ हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है, बट एट द एंड ऑफ इट ये फिर भी एक लव स्टोरी है, थ्रिलर है, बट इसका जो फाउंडेशन है वो लव है। जो हीरो होता है उसे हीरोइन से प्यार हो जाता है और उसके वजह से वो क्या क्या करता है, दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। ओके, इट मींस यू आर सेइंग यू आर नॉट ब्रेकिंग योर इमेज, मतलब यू आर स्टिल द चॉकलेटी बॉय whom everyone loved. Yeah, still love story. I think so, you know, क्या है ना, little bit there is a difference. It's not a love story, so I can't call this a love story. But ये एक thriller है जिसमें love story भी है. So my character, he goes from a, you know, good boy, एक अच्छा लड़का है, और जब उसे प्यार हो जाता है तो उसे क्या कुछ उस प्यार को बचाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, एंड दैट ट्रांसफॉर्म्स हिम फ्रॉम अ गुड बॉय टू अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर। ओके, इट आल्सो रिमाइंड मी ऑफ द करंट फिल्म प्रमोशन व्हिच इज गोइंग ऑन थ्रू टाइगर श्रॉफ एंड श्रद्धा कपूर, दे टू टॉकिंग अबाउट यू नो अ बागी जिसे प्यार हो जाता है। इट आल्सो रिमाइंड अस इज इट बी सिमिलर टू दैट? See, I don't think it's similar to that at all, क्योंकि वो तो that's an all-out action movie. उसका concept भी मुझे कुछ अलग ही लग रहा है, एक building से वो first floor से लेके last floor तक कैसे पहुँचता है, तो it's a different concept. ये तो बस simple सी कहानी है कि एक लड़का है और उसे अपने प्यार को बचाने के लिए he eventually has to rob a bank. Okay, title से कितना इस्तेमाल रखते हैं? आपसे बोलता हूँ, आप दोनों से बोलता हूँ, खेल तो आप शुरू होगा। कहाँ से शुरू हुआ है खेल? आप बताइए। लुक सेंटर किसके किसके बीच में खेल चलता है पूरे फिल्म में? पहले प्यार का खेल चलता है, उसके बाद ये कैमरा लुक। ओके, पहले प्यार का खेल शुरू होता है, उसके बाद उसमें जो ट्विस्ट आते हैं, टर्न्स आते हैं, उसके बाद गैंगस्टर आते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है, तो हर पल में हर मोड में यही लगता है खेल अब शुरू होगा। खेल कहाँ खत्म होती है जाके? जब ऑडियंस को फिल्म अच्छी लगेगी तो तब भी खेल शुरू ही होगा, खत्म नहीं। आई ऑनेस्टली ये ऐसी फिल्म है, जब मुझे नरेशन मिला था इस स्टोरी का, तो ये एक ऐसी कहानी थी कि मुझे समझ नहीं आई कि यार सच में ऐसा हो गया है कि ये विलेन है या ये हीरो है या ये हीरोइन है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एक कह सकते हैं कि ट्विस्ट एंड टर्न से भरी स्क्रिप्ट थी, एंड वो फिल्म में भी नजर आएगी जब आप फिल्म देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिल्म की कहानी हमें पता थी, शूटिंग भी कर ली थी, तो वी डोंट नो, हम जब फिल्म देखते हैं तो वी डोंट नो, क्योंकि हमें पहले से पता है कि विलेन कौन है। बट होपफुली जब आप देखेंगे तो अगर आपको ये सस्पेंस ना पता हो और फाइनली पता चल जाए कि हाँ ये विलेन है, if you all find it interesting then it's a good film. What message do you want to give to the audience while they come and see about it? See, I think honestly this is not a you know ऐसे social message वाली कोई फिल्म तो है नहीं, it's a entertaining film, और जैसे कि कोई भी थ्रिलर होती है, इट्स सपोज टू कीप यू एनग्रॉस्ड, आपको ऐसा लगना चाहिए, यू शुड फील फॉर द कैरेक्टर्स, यू शुड फील फॉर द लीड पेयर, आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये बच जाए, एंड जो भी विलेन्स इनके साथ कर रहे हैं वो ना करें, एंड हाउ दे शुड एस्केप फ्रॉम दिस, यू विल ऑलवेज फील फॉर दैट। थैंक यू। क्योंकि आपकी पहले की फिल्म है उतना अच्छा नहीं कर, और क्या आप मल्टी स्टारर फिल्म करना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल गिवन अ चॉइस टू बी अ ब्रदर ऑफ मिस्टर शाहरुख खान और somebody else, सलमान, समथिंग। ऑब्वियसली जो हमारे तीनों खान्स हैं, दे आर द सुपरस्टार्स ऑफ द कंट्री, एंड उनके साथ अगर कोई छोटा रोल भी मिले, कोई छोटा सीन भी मिले, एक सीन भी मिल जाए, उसे करने में बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू मीट देम, एवरीवन वांट्स टू एक्ट विद देम। तो ये तो मैं डिनाई नहीं करूँगा कि फॉर वन सीन ऑल्सो इफ आई गॉट टू एक्ट ऑपोजिट एनी ऑफ देम आई वुड हैव टेकन इट अप। भाई का रोल तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड अबाउट फिल्म्स नॉट डूइंग वेल एंड डूइंग वेल, ऐसा है कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इवन दो द फिल्म्स हैव नॉट डन वेल, मुझे काम मिलता गया है, फिल्में रिलीज़ होती रहती हैं और अलग अलग किस्म का काम मिलता रहता है, तो इट्स आई थिंक यू नो मैं यू नो ऑडियंस मुझे पसंद करती है और लोग जानते हैं इस बात को, तो वो मुझे हमेशा चांस देते रहते हैं, होपफुली कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्म तो क्लिक हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया फिल्म में शूट करके, कैमरा देखा, और ये फिल्म देख के होपफुली ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आएगा। आपने कैसे देखनी है, इधर देखना है, रोमांस कैसे करना है, बहुत कुछ सिखाया, सो थैंक यू नुसा, मैं तारीफ किया रोमांस कैसे करना है, ये भी मैंने सिखाया, मेरी बीवी यहाँ पर बैठी हुई है क्या है ये, तो निराली सामने मुझे सिखाते थे, बिल्कुल मैं याद है निराली, मैं और निशान बैठे होते थे और निराली के सामने bowling करके हमेशा सर सीन डिस्कस करता था